नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करी, उसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसा रहा और फिल्म आने वाले समय में कितनी कमाई कर सकती है, ये जानने में आप सभी का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मगर एक ही जगह पर सटीक बॉक्स ऑफिस की अपडेट मिलना ऑलमोस्ट मुश्किल है। अभी आजकल तो ये भी देखा जा सकता है कि फिल्म को रिलीज हुए मात्र 3 दिन ही हुए होते हैं, लेकिन आपको यूट्यूब पर day 4, day 5 और इवन day 6 के कलेक्शन भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी ऑथेंटिक चैनल्स पर। खैर, एनीवे हम बात करेंगे लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्में और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, साथ ही साथ हम फिल्म पर भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर 3 मेजर फिल्में रिलीज हुई। पहली थी वेंकट प्रभु की बायलिंगुअल फिल्म कस्टडी, दूसरी थी विद्युत जामवाल की IB71 और तीसरी थी बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की छत्रपति। पहले बात करते हैं कस्टडी की। कस्टडी बेसिकली एक बायलिंगुअल फिल्म है जिसको तमिल के साथ साथ तेलुगु में रिलीज क्या गया है। फिल्म के डायरेक्टर हैं वेंकट प्रभु और इस फिल्म में नागा चैतन्य नजर आने वाले हैं और ये उनका ऑफिशियल तमिल डेब्यू माना जाएगा। नागा चैतन्य की पिछली फिल्म थैंक यू बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, इवन लाल सिंह चड्ढा भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, इस लिहाज से ये फिल्म उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी। यहाँ पर नागा चैतन्य ने अपनी यूजुअल फिल्मों से कुछ अलग ट्राई किया है। फिल्म के डायरेक्टर हैं वेंकट प्रभु, जिनकी पिछली फिल्म मानुडू ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, इस लिहाज से कस्टडी एक इंपॉर्टेंट फिल्म तो जरूर थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भी ढेर होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, फिल्म को रिव्यू भी अच्छे नहीं मिले और इसी के चलते फिल्म के कलेक्शन में एक भारी ड्रॉप देखा जा सकता है। फिल्म ने अपने day 1 पर 3.20 करोड़ और day 2 पर 1.68 करोड़ की कमाई करी थी। वहीं day 3 के इस फिल्म के अर्ली एस्टिमेट 1.7 करोड़ के निकल कर आए हैं और इस तरह इस फिल्म का 3 दिनों का कलेक्शन 6.63 करोड़ निकला है। संडे का कलेक्शन एटलीस्ट 5 करोड़ का होना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी day 1 के कंपैरिजन में 50% ड्रॉप देखने को मिला, जो कि एक बुरा संकेत माना जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये फिल्म वीकडेज में कैसा परफॉर्म करती है। इसके बाद बात करते हैं छत्रपति की। दोस्तों, पता नहीं वो कौन सी घड़ी होगी जब मेकर्स ने डिसाइड किया होगा कि वे SS राजामौली की फिल्म छत्रपति, जो आज से 18 साल पहले रिलीज हुई थी और हिंदी में भी अवेलेबल है, फिर भी उसको हिंदी में रीमेक करेंगे। I mean की क्या सोचकर ये फिल्म बनाई गई होगी और वो कौन कौन से लोग हैं जो 50-50 करोड़ रुपए ऐसे सब्जेक्ट पर लगा देते हैं। नो डाउट छत्रपति 2005 की ट्रेंड सेटर थी, जहां फिल्म के एक्शन के साथ साथ इसके इमोशन ने फिल्म की सक्सेस में एक की रोल प्ले किया था। फिल्म अपने समय की बेंचमार्क थी, लेकिन आज 18 साल के बाद उसी फिल्म को अगर रिलीज किया जाता तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मेकर शायद बेलमकोंडा की फिल्मों के YouTube व्यूज देखकर बहक गए होंगे और उनको लगा होगा कि बेलमकोंडा के फैंस उन्हें थिएटर्स में देखने आएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ भी। day 1 पर इतने सारे लोग आए कि फिल्म ने अपने पहले दिन पर 0.45 करोड़ की धाकड़ कमाई करी। day 2 पर इस फिल्म ने 0.65 करोड़ और day 3 के अर्ली एस्टिमेट 0.63 करोड़ के निकल कर आए हैं। इस तरह इस फिल्म ने अपने वीकेंड में 1.53 करोड़ की कमाई करी है। ये फिल्म विगत वर्षों की सबसे ज्यादा घाटा खाने वाली फिल्मों के तौर पर कंसीडर की जाएगी और इस फिल्म के जरिए बेलमकोंडा साई श्रीनिवास का बॉलीवुड डेब्यू बुरी तरह से डिजास्टर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं IB71 की। दोस्तों, इस फिल्म में विद्युत जामवाल, अनुपम खेर, विशाल जेठवा और दिलीप ताहिल जैसे मजे हुए कलाकार नजर आए और ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को संकल्प रेड्डी ने डायरेक्ट किया है और ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले द गाजी अटैक नाम की फिल्म बनाई थी। फिल्म को रिव्यू भी बहुत अच्छे मिले और ये इस हफ्ते की ओनली फिल्म है जिसने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ग्रोथ दिखाया है। फिल्म ने day 1 पर 1.67 करोड़ और day 2 पर 2.51 करोड़ की कमाई करी थी और वहीं इस फिल्म day 3 के अर्ली एस्टिमेट 3.20 करोड़ के निकल कर आए हैं। इस तरह फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में 7.38 करोड़ की कमाई करी है और अब ये देखना होगा कि वीकडेज में ये फिल्म कैसी परफॉर्मेंस करती है। खैर, एक तरफ ये तीनों फिल्में और अगर इन तीनों फिल्मों के तीनों दिनों के कलेक्शन को जोड़ दें तो भी इस फिल्म के सेकंड वीक के day 1 कलेक्शन को बीट नहीं कर सकती। जी हाँ, ये फिल्म है द केरला स्टोरी। दोस्तों, मैंने अपने रिव्यू वीडियो में ही कहा था कि ये फिल्म अनदर कश्मीर फाइल बनने वाली है, एंड गेस व्हाट, वैसा ही हो रहा है। फिल्म अपने सेकंड वीकेंड में पहुंच चुकी है और इस फिल्म के सेकंड वीकेंड का कलेक्शन फर्स्ट वीक से काफी बेटर निकलकर आ। फिल्म की रफ्तार जिस तरह से है उससे तो यही लगता है कि इस फिल्म के लिए 200 से 250 करोड़ कुछ भी नहीं। फिलहाल फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं और इन 10 दिनों में फिल्म ने 135 करोड़ प्लस की कमाई करी है। यहाँ सेकंड फ्राइडे यानी कि 8वें दिन इस फिल्म ने 12.35 करोड़, day 9 पर 19.5 करोड़ और day 10 पर 23 करोड़ की कमाई करी है। इस तरह सिर्फ सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने 54.89 करोड़ की कमाई करके दिखाई है। दोस्तों, ये आंकड़े इनक्रेडिबल हैं। आपको बता दूं, सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी का जान ने भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करी थी, जो दिखाता है कि आजकल ऑडियंस कितनी अवेयर हो चुकी।
चुकी है। आज की ऑडियंस कमर्शियल फिल्मों की जगह पर रॉ और रियल फिल्मों को देखना पसंद करती है। स्टार कल्चर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही एक्टर एक्ट्रेस को कोई जानता ना हो, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रॉमिसिंग है तो लोग उस फिल्म को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं, द कश्मीर फाइल्स ने 350 करोड़ की कमाई करी थी और अब ऐसा लग रहा है कि द केरला स्टोरी उसी इतिहास को दोहरा रही है। इसलिए दोनों फिल्मों के कलेक्शन पर गौर करना बड़ा जरूरी है। आपको बता दूं, डे वन पर द केरला स्टोरी ने 8.03 करोड़ और द कश्मीर फाइल्स ने 3.55 करोड़ की कमाई करी। वहीं डे टू पर द केरला स्टोरी ने 11 करोड़ और द कश्मीर फाइल्स ने 8.50 करोड़ की कमाई करी। बात करें डे थ्री की, तो इस दिन द केरला स्टोरी ने 16.04 करोड़ और द कश्मीर फाइल्स ने 10.10 करोड़ की कमाई करी थी। डे फोर पर द केरला स्टोरी का कलेक्शन था 10.07 करोड़, वहीं द कश्मीर फाइल्स ने 15.05 करोड़ की कमाई करी थी। डे फाइव पर द केरला स्टोरी का कलेक्शन था 11.14 करोड़, वहीं द कश्मीर फाइल्स ने 18 करोड़ की कमाई करी। डे सिक्स पर द केरला स्टोरी ने 12 करोड़ और द कश्मीर फाइल्स ने 19.05 करोड़ की कमाई करी थी। डे सेवन पर द केरला स्टोरी ने 12.5 करोड़ और द कश्मीर फाइल्स ने 18.05 करोड़ की कमाई करी थी। इस तरह पहले हफ्ते में द केरला स्टोरी ने 81 करोड़ और द कश्मीर फाइल्स ने 97 करोड़ की कमाई करके दिखाई थी। वहीं बात करें डे 8 की, तो 8वें दिन द केरला स्टोरी ने 12.35 करोड़ और द कश्मीर फाइल्स ने 19.15 करोड़ की कमाई करी। वहीं डे 9 पर द केरला स्टोरी ने 19.50 करोड़ और द केरला स्टोरी ने 28.80 करोड़ की कमाई करी। और बात करें डे 10 की, तो डे 10 पर द केरला स्टोरी ने 23 करोड़ और जबकि द कश्मीर फाइल्स ने 26.20 करोड़ की कमाई करी थी। इस तरह शुरुआती 10 दिनों में द केरला स्टोरी ने 135 करोड़ और द कश्मीर फाइल्स ने 171.50 करोड़ की कमाई करी थी। यानी कि द केरला स्टोरी कश्मीर फाइल्स से 36 करोड़ पीछे है। अब देखते हैं द केरला स्टोरी का बिजनेस कहां पर जाकर रुकता है। आपको बता दूं, फिल्म ने बहुत जोरों से मोमेंटम पकड़ लिया है और पूरे देश में इस फिल्म के शोज हाउसफुल जा रहे हैं। वैसे आपका इस फिल्म का प्रेडिक्शन क्या है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। और क्या हमें इस तरह के वीडियोस को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।